जी बताइए, आज सुनवाई में सर क्या हुआ? सुनवाई के दौरान हम सभी 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी पीड़ित जो MRC और आरक्षण से पीड़ित अभ्यर्थी हैं उपस्थित हुए। वहां पर हमने ये जाना कि जो भी संबंधित अधिकारी आए थे वो जो आयोग द्वारा प्रश्न मांगे गए थे उन प्रश्नों का प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए और ना ही कोई प्रॉपर अपना पक्ष लेकर के आए, जिसकी वजह से माननीय आयोग द्वारा कहा गया कि आप कब तक ये जवाब हमें सुनिश्चित करा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम 10 दिन का समय दे दीजिए, 10 दिन के अंदर अंदर हम इन्हीं का सभी का जवाब ला देंगे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद बातों से बिल्कुल साफ साफ दिखा कि 27% आरक्षण जो OBC का है और 21% आरक्षण जो SC का है उसके साथ भारी मात्रा में छेड़छाड़ की गई है। ऐसा हम पीड़ित अभ्यर्थियों द्वारा उनसे पूछा भी गया लेकिन कोई भी उसका सही प्रॉपर जवाब नहीं दे पाया। अधिकारी लोग ये भी नहीं बता पाए कि ये भर्ती प्रदेश स्तर पे हुई है या जनपद स्तर पर हुई है। हमने कहा कि अगर जनपद स्तर पर हुई है तो विज्ञप्ति कहाँ है, लेकिन कोई भी वो सुस्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। 10 दिन का समय लेकर के गए हैं, अब 10 दिन बाद देखते हैं क्या है, जिसमें कि उन्होंने हमें ये भी विश्वास दिलाया है और आयोग के समक्ष ये बात रखी है कि जब तक हम यहाँ माननीय आयोग को संतुष्ट नहीं कर देंगे तब तक कोई भी भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।